नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे आज बैंक निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में। फाइनली देखिए, आज हमने देखा कि आज बैंक निफ्टी में एक बहुत ज़बरदस्त मूव देखने को मिली है। बजट सेशन देखिए, आज एक इवेंट का दिन था और इस इवेंट के दिन देखिए फाइनली बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त, अगर हम यहाँ पर देखें तो मैंने आज मॉर्निंग टाइम में टेलीग्राम में एक 2012 से एक मैंने डाटा शेयर किया था। उस डाटा में ये था कि मतलब बजट के दिन में मार्केट मोस्टली किस तरह से बिहेव करती है, बट अगर उन हिस्टोरिकल चार्ट को देखा जाए तो आज बिल्कुल बैंक निफ्टी ने बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से यहाँ पर बिहेव किया है। और फाइनली यहाँ पर देखिए, गैप अप ओपन होने के बाद कंटिन्यू ऊपर की तरफ, देखिए मार्केट को बजट रास आ गया। हम सीधे और आसान लैंग्वेज में कह सकते हैं कि शेयर मार्केट को निर्मला जी का जो है बजट बिल्कुल रास आ गया। देखिए रास आया है तभी जाके मार्केट आज इतना बूम की है, इतनी ज़बरदस्त मार्केट चली है। देखिए हम कह सकते हैं आज जो है इसका जो लो लगा हुआ है वो 30,909, मतलब 30,900 का लो और 33,300 का हाई। मीन्स देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो 1,400 पॉइंट्स की रैली यहाँ पर हमको ज़बरदस्त तरीके से देखने की मिली है। देखिए 30,900 का लो है तो यहाँ पर 33,300 का हाई है, तो यहाँ पर 31, 32, 33, तो यहाँ पर हमको मे बी सॉरी 2,400 पॉइंट्स की यहाँ पर हमको मूव देखने को मिली है। 2,400 पॉइंट्स की मूव एक दिन में बहुत ज़बरदस्त मूव मानी जाती है। देखिए निर्मला जब भी आती हैं तो कई बार बड़ी कैंडलें बन जाती हैं। यहाँ पर एक मैं आपको और कैंडल दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जब बड़ी कैंडल एक बनी थी तब भी निर्मला जी का, चलिए उसकी बात हम बाद में कर लेंगे, बट मतलब ऐसा उस कैंडल का नाम ही रख दिया गया था कि निर्मला सीतारमण कैंडल, एनएस कैंडल उसको आज लोग जो है मतलब कहते हैं। तो ये एक अगेन ये एनएस कैंडल हो गई, निर्मला सीतारमण कैंडल। तो चलिए बात करेंगे 15 मिनट के चार्ट में, पहले चलेंगे फिर देखेंगे कि आज हमने किस तरह से ट्रेड बनाया और किस तरह से हमने यहाँ पर पोजिशन अपनी देखी थी। तो चलिए यहाँ पर देखिए, मैंने 15 मिनट का फाइनली मैंने चार्ट खोल लिया है। अब देखिए यहाँ पर जो गैप अप ओपन हुआ था, गैप अप ओपन होने के बाद हम यहाँ पर जो प्रीवियस हमारा हाई था इसके पास हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया। मीन्स ये जो हाई था हम कह सकते हैं 31,150 का, 31,150 निकलने के बाद देखिए यहाँ पर 31,050 15 मिनट की कैंडल है, इसके पास हमने कम से कम 1.5 घंटा हमने यहाँ पर जो है गुजारा है। 1.5 घंटा गुजारने के बाद फाइनली देखिए ऊपर की तरफ निकले हैं और फाइनली जो हमारे पास अगला जो रेजिस्टेंस था वो रेजिस्टेंस देखिए ये रेजिस्टेंस था हमारे पास, और इस रेजिस्टेंस को निकालने के बाद हमने यहाँ पर देखिए कंटिन्यू ऊपर की तरफ, यहाँ पर जो एक बड़ी कैंडल बनी थी, बड़ी कैंडल यहाँ पर बिल्कुल कन्फर्मेशन दे दिया था। जब स्पीच चल रही थी निर्मला जी की, यहाँ पर स्पीच चल रही थी उसी ड्यूरिंग ये बहुत बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद कंटिन्यू देखिए मार्केट ऊपर की तरफ। तो हम कह सकते हैं देखिए आज बैंक निफ्टी ने जो है वो लाइफ टाइम हाई लगाया है। हमारा जो पीछे लाइफ टाइम हाई था वो 32,700 के आसपास था और आज जो हमने आज लाइफ टाइम हाई जो लगाया है वो 33,300 के आसपास का लगाया है। तो मतलब यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ी उछाल देखने को मिली है बैंक निफ्टी में। अब देखिए अब आने वाले सेशन में हमको किस तरह से ट्रेड करना है, कैसे करना है, उन सब चीज़ों की भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने ट्रेड आपको समझा दिया कि मतलब जो हमारे पहला 1.5 घंटा था उसके बीच में हम ट्रेड करते रहे, फाइनली जब ये कैंडल का ब्रेकआउट हुआ 5 मिनट की कैंडल में, आपको ले चलता हूँ और वहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए 5 मिनट की कैंडल में आ गया हूँ, यहाँ पर जब फाइनली ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर भी हमने ट्रेड बनाया था। अब देखिए मैंने आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करके बताई थी और मैंने आपको टेलीग्राम में चार्ट पोस्ट किया था, ये एक रेड कलर की मैंने इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी और मैंने बताया था कि जब तक हम इस रेड कलर की ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं तब तक हम यहाँ पर कंटिन्यू ऊपर की तरफ ही जाएंगे, बुलिश रहेंगे। और एक ट्रेंड लाइन मैंने इस तरह से आपको ब्लैक ट्रेंड लाइन उस चार्ट में आपने देखी होगी, तो वो चार्ट मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में मैंने नियर अबाउट 11 से 12 बजे के आसपास मैंने पोस्ट कर दिया था और मैंने आपको वहाँ पर बिल्कुल क्लियर कट बता दिया था कि हम जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं, ये जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन है, जब तक हम इस रेड कलर की ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं तब तक हम यहाँ पर बुलिश हैं, तब तक हम सेल का ट्रेड नहीं लेंगे। हाँ अगर ये रेड कलर की ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो हमारा टारगेट जो है ये ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन होगी। तो फाइनली देखिए हमने कंटिन्यू इस रेड कलर की ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हम ट्रेड करते रहे और कंटिन्यू देखिए हमने एक लाइफ टाइम हाई अगेन लगाया है। तो चलिए अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में, एनालिसिस कर लेते हैं कि कल हमको किस तरह से ट्रेड करना है, कल अब क्या पॉसिबल है। अब देखिए यहां पर जो इसके रेजिस्टेंस थे, फाइनली जो पिछला रेजिस्टेंस था वो देखिए 32,000 कुछ ये 800 के आसपास, मेरे ख्याल से 32,850 के आसपास था, सॉरी मैंने पहले 32,700 बोला, 32,850 के आसपास का हाई था। तो फाइनली उसको भी हमने ब्रेक कर दिया है। अब देखिए हमको किस तरह से कल को हमको ट्रेड करना है, दो सिनेरियो में, तीनों सिनेरियो को बताऊंगा, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग और यहां पर फ्लैट ओपनिंग। तो यहां से इस ट्रेंड लाइन को हम इस तरह से मूव कर लेते हैं, रेड कलर की ट्रेंड लाइन को देखिए, अब हम इसको कंटिन्यू इस तरह से ऊपर की तरफ हमने एक्सटेंड कर लिया है। अब देखिए यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने जैसे आज हमारा व्यू था कि जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हैं तब तक हम बुलिश हैं, अदरवाइज जब हम ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे तो हम यहां पर नीचे की तरफ हो सकते हैं।
बट फाइनली देखिए बजट रास आया मार्केट को और यहाँ पर मार्केट ने कंटिन्यू ऊपर की तरफ का रुख किया। कल देखिए क्या करना है, कल मे बी यहाँ पर अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर अगेन डे हाई ब्रेक करती है, मान लीजिए यहाँ पर जो क्लोजिंग आई है वो 33,270 के आसपास आई है और यहाँ पर कल जो ओपनिंग है 33,250 के आसपास होती है और अगेन जो है 33,270 का लेवल क्रॉस करती है, तो वहाँ पर देखिए हम 200 से 300 पॉइंट्स के लिए हम जा सकते हैं। मीन्स मतलब हमारा अगला टारगेट 33,500 होगा, उसके बाद 33,700 होगा। तो ये थी देखिए फ्लैट ओपनिंग की बात। अब मैं बताता हूं गैप अप ओपनिंग में किस तरह ट्रेड करें और गैप डाउन ओपनिंग में किस तरह ट्रेड करें। अब देख लीजिए मान लीजिए यहां पर 33,270 की यहां पर क्लोजिंग है, गैप डाउन ओपनिंग होती है, गैप डाउन ओपनिंग आपको कहीं इसके आसपास मिलती है ट्रेंड लाइन के आसपास। अब देखिए जब मैंने आपको ये ट्रेंड लाइन में शेयर की थी तो यहां पर देखिए अगेन इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके यहां से बाउंस बैक हुआ था। वो भी चार्ट मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में पोस्ट किया था, टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं कंटिन्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी की कॉल में देते रहता हूं, चार्ट पोस्ट करते रहता हूं, मैं जो भी ट्रेड लेता हूं मैं वहां पर सारी चीजें शेयर करता हूं। तो यहां पर देखिए अगर गैप डाउन ओपनिंग है होती है और इस ट्रेंड लाइन के आसपास, मींस अब देखिए हमारे पास जो अगला यहां पर सपोर्ट है तो इस सपोर्ट के आसपास देखिए या तो अब गैप डाउन ओपनिंग हो, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद हमको या ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिले या फिर ये जो लेवल है हॉरिजॉन्टल जो लाइन है 32,350 32,380 के आसपास यहाँ पर सपोर्ट मिले, यहाँ पर हमको जब बैंक निफ्टी मिलेगी अगेन हम यहाँ पर बाइंग करेंगे। देखिए लॉजिकली इसको ध्यान से समझिए, यहाँ पर अभी फिलहाल हमारे पास एक सिंगल बॉटम बना हुआ है, डबल बॉटम जब यहाँ पर आएगा, डबल बॉटम एक फॉर्म होगा तो वहाँ से डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पर काम करेगा और मार्केट अगेन यहाँ से बाउंस बैक कर सकती है। अब देखिए गैप अप ओपनिंग में क्या करना है, गैप अप ओपनिंग में देखिए आपको सबसे पहले प्राइस एक्शन का वेट करना है। यहाँ पर आपको 5 मिनट की कैंडल के ट्रेड नहीं करना है, यहां पर आपको देखिए कम से कम 2 मिनट की कैंडल में आप जा सकते हैं, बट वहां पर 2 मिनट की कैंडल में भी आपको प्राइस एक्शन देखना है। देखिए प्राइस एक्शन मेरा कहने का मीन आपको मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं, मतलब मान लीजिए मार्केट यहां पर ओपन हुई, गैप अप ओपन हुई है और अगेन थोड़ा नीचे की तरफ आई है और उसके बाद फिर अपना प्रीवियस हाई क्रॉस कर रही है, मीन्स प्रीवियस हाई क्रॉस कर रही है, जो पिछला हाई यहां पर लगा हुआ है ये क्रॉस कर रही है। जब ये लेवल क्रॉस हो रहा होगा तो उस टाइम हम यहां पर कैंडल क्लोज होगी कि यहां पर, उसके बाद उस कैंडल के ऊपर हम यहां पर ट्रेड बनाएंगे, इसके हम बोलते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। तो मतलब गैप ओपनिंग में हमको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पे काम करना है, गैप डाउन ओपनिंग पे हमको इस ट्रेंड लाइन के आसपास हमको मिले तो ट्रेड करना है, या फिर ये जो सपोर्ट का लेवल है 32,350 के आसपास यहां मिले तो ट्रेड करना है। और देखिए जब ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो अब मैं दूसरी चीज भी आपको बता देता हूं, मे बी कल प्रॉफिट बुकिंग अगर आए तो मान लीजिए अगर यहां पर ये रेड कलर की ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है और ये जो सपोर्ट है 32,350 का जो सपोर्ट है ये ब्रेक होता है तो हमारा अगला सपोर्ट ये रेड ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन होगी। इस ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन के आसपास देखिए हमारे पास एक ये भी सपोर्ट है, देखिए हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, तो मैं यहां पर ये डिलीट कर देता हूं। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर देखिए अब यहां पर रेड कलर की ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद हमको यहां पर अगर मिले तो यहां पर डबल सपोर्ट है, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, तो यहां से हमारी बिल्कुल क्लियर कट 100% यहां से बाइंग हमारी हो सकती है। यहां पर कैंडल बनने के बाद या डाटा एनालिसिस करने के बाद हम यहां पर ट्रेड कंफर्म करेंगे। तो चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में। बाकी मैं उम्मीद करता हूं देखिए जो मैं चार्ट आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता हूं वो चार्ट जो है आपको एक अच्छा ट्रेड लेने में, एक प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने में आपकी मदद करते होंगे। उम्मीद करता हूं कि आज आप लोगों ने भी बहुत अच्छे पैसे बनाए होंगे। देखिए फिलहाल आज हमने इंट्राडे में आज बहुत ज्यादा ट्रेडिंग की है, मीन्स आप कह नहीं सकते कि मतलब मैं इतना बिजी हो गया था कि मैं टेलीग्राम में चीजें मैं पोस्ट भी नहीं कर पाया। नियर अबाउट आज हमने 20 ट्रेड किए इंट्राडे में, पहले हमने यहां पर 13 ट्रेड किए थे, उसके बाद मैंने आप लोगों को पोस्ट किया कि अब ट्रेड नहीं करना है, बट वहां पर हमको सिनेरियो मिलता गया और हम ट्रेड करते गए। देखिए जब आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी देती है तो आपको जरूर वो अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए, जरूर ट्रेड करना चाहिए। मैंने देखिए 20 ट्रेड किए, 20 ट्रेड में हमारा यहां पर एक स्टॉप लॉस था और यहां पर 4 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मीन्स हमने 70% क्वांटिटी पहले बुक कर ली थी, उसके बाद कॉस्ट टू कॉस्ट अपना जो है प्राइस रखा 30% क्वांटिटी के लिए या 20% क्वांटिटी के लिए, वहां पर वो जो है हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। मतलब हमने उसमें भी प्रॉफिट बनाया, ऐसा नहीं प्रॉफिट नहीं बनाया, उसमें भी प्रॉफिट बनाया, बट वहां पर जो है कॉस्ट टू कॉस्ट हमको निकलना पड़ा 20% क्वांटिटी के लिए 30% क्वांटिटी के लिए। मीन्स मतलब हमने यहां पर 20 ट्रेड किया और 20 ट्रेड में से हमारे 19 ट्रेड प्रॉफिटेबल रहे और एक हमारा स्टॉप लॉस हुआ। तो चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में और यहां पर बैंक निफ्टी के स्टॉक्स की चर्चा करते हैं। फाइनली हम आ गए यहां पर देखिए एक्सिस बैंक के चार्ट में। देखिए मैंने आपको यहां पर क्लियर कट बताया था कि ये जो ऊपर से ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन आ रही है जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगी तब तक हमको यहां पर ट्रेड नहीं लेना है। दूसरा देखिए मैंने आपको कि यहां पर एक और चीज बताई थी कि यहां पर देखिए ये जो पैटर्न यहां पर बन रहा है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल है, इसके बाद एक रेड कैंडल है, ये इनसाइड कैंडल पैटर्न बन रहा था और देखिए यहां पर कंटिन्यू 2 से 3 दिन अगर हम ध्यान से देखें तो एक सेम हाई यहां पर लग रहा था। ये जो सेम हाई था वो 675 का था। अब मैंने क्लियर कट आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 675 रुपए के ऊपर हमको यहां पर बाइंग करनी है, टारगेट मैंने आपको यहां पर 695 का दिया था। तो फाइनली देखिए आज जो है बजट के कारण यहां पर जो है एक्सिस बैंक में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। अब कल देखिए क्या करना है, कल अगर 717 रुपए के ऊपर निकलता है तो अगेन हमको 725 और 732 रुपए के टारगेट के लिए ट्रेड करना है। नेक्स्ट स्टॉक देखिए हमारा बंधन बैंक है। तो बंधन बैंक देखिए ये देखिए जो मैंने चार्ट मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है यहां पर असेंडिंग चैनल टाइप का यहां पर चार्ट है। तो अगेन देखिए जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये अपना ट्रेंड लाइन के पास
पास आकर लोअर ट्रेंड लाइन के आसपास आकर यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाई है। और फाइनली यहाँ पर बाइंग करने के लिए मैंने आपको सलाह दी थी 320 रुपए के ऊपर, और यहाँ पर देखिए इसने जो हाई लगाया 325 का, तो टारगेट हमारा 325 और 330 और 335 था। तो अब देखिए अब यहाँ पर एक हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक हर्डल यहाँ पर निकल के आ रहा है। ये जो हर्डल है मैं इसको इस तरह से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए ये हमारे पास अगला रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस जो है ये हमारा 330 के आसपास आ रहा है। तो देखिए अगर यहाँ पर आपको 325 330 325 के आसपास अगर कहीं मिलता है तो आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं 330 रुपए के टारगेट के लिए। देखिए जब तक हम यहाँ पर 330 रुपए नहीं निकालते तब तक हम अभी हम ऊपर के लिए नहीं जाएंगे। 330 के ऊपर की क्लोजिंग इसको जो है 355 और यहाँ पर 380 रुपए तक लेकर जा सकती है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा HDFC बैंक। ये देखिए HDFC बैंक का जो स्टॉक है ये बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। सबसे पहले HDFC बैंक आता है, उसके बाद ICICI बैंक का वेटेज है, उसके बाद कोटेक बैंक का वेटेज है। तो मतलब ये तीन बैंक अगर किसी भी एक डायरेक्शन में निकल पड़े तो समझ लीजिए उस दिन बैंक निफ्टी में बूम मस्ता ही है जैसा कि आज हुआ है। तो HDFC बैंक देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक अपना रिक्टेंगल चैनल के अंदर यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। तो जब यहाँ पर इसने टेस्ट किया था 1350 का लेवल जब इसने टेस्ट किया था तो तभी मैंने आपको बताया था कि अब हमारा अगला टारगेट अपर रिक्टेंगल का जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस है मीन्स 1450 के आसपास, क्योंकि 1450 और 1350 ये 100 पॉइंट्स के रेंज के अंदर यहाँ पर ट्रेड हो रहा था। अब अगेन देखिए मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ये डिलीट करूंगा और दूसरा ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊंगा जिसका ब्रेकआउट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर देखिए एक हमने अगेन ऊपर से ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है और HDFC बैंक का देखिए फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है। अब कल यहाँ पर हम जो है 1482 रुपए के ऊपर निकलेगा तो हमारा जो टारगेट होगा यहाँ पर ये 1510 रुपए का होने वाला है। ध्यान से लेवल सुन लीजिए, 1482 रुपए के ऊपर निकलेगा तो टारगेट हमारा यहाँ 1510 का होगा। यहाँ पर एक चीज और देखिएगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि ये जो कैंडल देख रहे हैं डोजी कैंडल और आज की कैंडल इन दोनों का हाई ऑलमोस्ट यहाँ पर सेम है 1475-1476 का। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो है मतलब मे भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट अगर ये 1476 रुपए के सॉरी 1483 रुपए के ऊपर निकलकर ट्रेड करना स्टार्ट करें तो यहां पर आप जो है 1510 रुपए के टारगेट के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा ICICI बैंक। देखिए ICICI बैंक एक ऐसा स्टॉक था जिसकी मतलब आज सुबह से ही चर्चा हो रही थी। ICICI बैंक हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, तो ये कुछ ऐसे स्टॉक थे जिसको इकोनॉमिक टाइम्स जो मैं न्यूज़पेपर लेता हूं उसने भी इसको आज हाईलाइट किया हुआ था। ICICI बैंक पर मेन फोकस था आज। तो देखिए फाइनली जैसा आज फोकस किया हुआ था, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो ब्रोकरेज हाउस हो, चाहे वो कोई भी हो, फंड हाउसेज हो, कोई भी हो, उन्होंने ICICI बैंक को मतलब एक अपना टारगेट बनाया था कि ICICI बैंक में आज काफी अच्छा हो सकता है। और फाइनली देखिए अच्छा हुआ भी, यहां पर एक गैप अप ओपनिंग हुई। गैप अप देखिए 500, यहां पर जो पिछले दिन की जो क्लोजिंग थी वो क्लोजिंग 537 रुपए की थी और यहां पर जो आज देखिए ओपनिंग हुई है वो ओपनिंग ही यहां पर काफी अच्छी हुई, 552 रुपए की ओपनिंग हुई। मींस मतलब मॉर्निंग सेशन में ही काफी इसने अच्छा करके दिखा दिया था। और यहां पर जो है एक इसका हाई था, ये हाई देखिए 560 रुपए के आसपास था, 560 रुपए के ऊपर हमको निकलने का वेट करना था। 560 रुपए के ऊपर जैसे ही निकला इसमें हम ट्रेड बना सकते थे। इस ट्रेड को मैंने अपने कुछ क्लाइंट्स को भी दिया था ICICI बैंक के ट्रेड को, जब ये 564-563 रुपए के आसपास ट्रेडिंग कर रहा था। फाइनली देखिए काफी अच्छा यहां पर देखें अगर ICICI बैंक ने आज जो है 12% की मूव दी है। 12% मीन हम कह सकते हैं सिर्फ एक इंडसइंड बैंक ऐसा था जिसने 14 से 15% के बिटवीन आज मूव दी थी, बट उसके बाद जो नंबर आता है वो ICICI बैंक का आता है। मीन्स अगर आप आज हम कहें तो इंडसइंड बैंक ने जो है 15% के आसपास की मूव आज दी है, क्योंकि आज मैंने इंडसइंड बैंक में ट्रेडिंग भी की थी। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं IDFC। चलिए इसको छोड़िए, IDFC को मैं देखता नहीं हूँ। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इंडसइंड बैंक। तो देखिए इंडसइंड बैंक की मैं बात कर रहा था। अब देखिए अगर आप लोग मेरा वीडियो ध्यान से देखते हैं, डेली वीडियो अगर मेरा फॉलो करते हैं तो मैं आप लोगों को चीज़ें जो बताता हूँ शायद आप लोग ध्यान से सुनते कि नहीं सुनते हैं। देखिए मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर देखिए क्या चीज़ बताई थी। मैंने आपको ये बताया था कि रेड कलर की जो ट्रेंड लाइन है ये जब ब्रेकडाउन होगा तो हमारा अगला सपोर्ट होगा ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन, और ब्लैक कलर की ट्रेंड लाइन से मे बी यहाँ से 90% के यहाँ पर चांस है कि यहाँ से बाउंस बैक होगा और बहुत अच्छा बाउंस बैक होगा। तो फाइनली यहां पर देखिए फ्राइडे के कैंडल जो बनी थी ग्रीन कलर की कैंडल, तो इसका जो बाउंस बैक हुआ था मतलब इतनी बड़ी कैंडल नहीं थी, बट अब उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया था अगर ये 865 रुपए के ऊपर निकलता है, क्लियर कट पिछला वीडियो जाके दोबारा देखिए, 865 रुपए के ऊपर मैंने आपको बाइंग के लिए बताया था, 880 और 890 रुपए का मैंने आपको टारगेट दिया था। तो फाइनली देखिए जब इसने 865 का लेवल ऊपर की तरफ क्रॉस किया तो बिल्कुल देखिए 982 के आसपास, मींस बहुत अच्छा जबरदस्त मूव। अब देखिए हम बिल्कुल हम जो प्रीवियस हाई है उसके आसपास हम बिल्कुल हैं, तो यहां पर देखिए 982 का जो प्रीवियस
985 के आसपास प्रेवियस आई है। अब कल देखिए क्या करना है, 985 985 का लेवल अगर 5 मिनट की कैंडल कोई क्लोज कर देती है 985 के ऊपर, तो आप यहां पर बिल्कुल श्योर ट्रेड कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक में उम्मीद है कल भी एक अच्छी यहां पर जो है तेजी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज देखिए अगर इसने अपना हाई क्रॉस नहीं किया तो मे बी यहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा कोटक बैंक। कोटक बैंक में जिस तरह से उम्मीद की थी उस तरह से मतलब कोटक बैंक ने परफॉर्म नहीं किया। देखिए क्योंकि यहां पर अगर ध्यान से देखें HDFC बैंक 6% और यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा 6%, यहां पर एक्सिस बैंक 7%, इंडसइंड बैंक 14%, ICICI बैंक 12%, बट कोटक बैंक को अगर देखेंगे तो 5%। मीन्स यहां पर हमारे पास जितने भी बैंक लगे हुए हैं अगर बंधन बैंक को छोड़ दें तो यहां पर कोटक बैंक जो है सबसे लो परफॉर्मेंस करने वाला है। मतलब लो परफॉर्मेंस देखिए तेजी तो हुई है, ऊपर तो गया है, बट यहां पर सिर्फ ओनली 5% मतलब गया है। अब एक चीज ध्यान रखिए कि आज और सारे स्टॉक चल चुके हैं, HDFC बैंक चल चुका है, ICICI चल चुका है, इंडस चल चुका है, बट कोटक में वो तेजी नहीं हुई है जो इन सब बैंकों में हो चुकी है। सो मतलब आप मेरा इशारा समझ गए होंगे, कल के लिए आपको कोटक बैंक पर नजर बना के रखनी है। कोटक बैंक ने आज खास परफॉर्मेंस नहीं किया तो कोटक बैंक कल खास परफॉर्मेंस करने वाला है, नजर बनाकर रखिएगा। ये जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन है, अब इसके लिए यही हर्डल होगा, जब रेड कलर की ट्रेंड लाइन की 5 मिनट की कैंडल एक रेड कलर की ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज कर दे तो समझ लीजिए यहां पर हमको जो है बहुत अच्छा टारगेट मिलने वाला है। मे बी 5 से 6% का टारगेट कल हमको यहां पर मिल सकता है। देखिए बिल्कुल अपने सपोर्ट के आसपास बाउंस बैक किया है। मैंने आपको चीज जो बताई थी कि अगर यहां से इसको बाउंस बैक होना है तो बिल्कुल परफेक्ट जगह पर खड़ा है, अदरवाइज अगर ये लेवल 1690 का लेवल ब्रेक कर देगा तो हम यहां पर काफी नीचे की तरफ जाने वाले हैं। फाइनली देखिए यहां पर 1690 का लेवल इसने ब्रेक नहीं किया और कंटिन्यू ऊपर की तरफ। नेक्स्ट स्टॉक देखिए हमारा RBL बैंक है। RBL बैंक में भी 10% की मूव हुई है। देखिए मैंने जैसा आपको बताया था ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है कि ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को लेकर यहां पर बाउंस बैक हो सकता है। मैंने आपको बताया था देखिए सेलिंग के लिए 209 रुपए के नीचे, 210 के नीचे, कि अगर 210 रुपए के लिए नीचे निकलता है तो सेल कर। देखिए मेरी बात को ध्यान से सुना करिए, अभी कई लोग बोलेंगे सर आपने तो सेल के लिए बताया था बट यहां पर तो बाइंग हो गई। अरे भाई मैंने बताया था 210 रुपए के नीचे, तो ये 210 रुपए के नीचे निकला कहां है? अगर दो लेवल को जब हमारे क्रॉस करेंगे हम तभी ट्रेडिंग करेंगे, हम लेवल पर ट्रेड करते हैं, हम इंट्रा डे ट्रेडर हैं। हम देखिए मार्केट की मूव को देखकर हमको अपना व्यू चेंज करना आना चाहिए। सो यहां पर 210 का लेवल नीचे की तरफ क्रॉस नहीं किया तो हम क्यों बाइंग करेंगे? अब यहां पर देखिए 220 का लेवल ऊपर की तरफ क्रॉस किया तो हमने बाइंग की। मैंने ये बताया था कि 220 के ऊपर जो है हमको बाइंग करनी है। अब देखिए अब ये बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा है। अगर कल अब देखिए यहां पर 245 का लेवल यहां पर क्रॉस करता है तो अगला टारगेट हमारा यहां पर 265 का होने वाला है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस यहां पर देखिए, जैसा कि यहां पर हमने ट्रेंड लाइन यहां पर ड्रॉ करके रखी हुई है। यहां पर देखिए ध्यान से देखिए तो असेंडिंग चैनल टाइप में पैटर्न बन रहा था, लोअर बिल्कुल चैनल के आसपास, लोअर ट्रेंड लाइन के आसपास इसने जो है ग्रीन कैंडल बनाई थी, बाउंस बैक दिया था। अब यहां पर देखिए सेलिंग के लिए इसमें बताया था मैंने 278 के नीचे, बट देखिए 278 के नीचे निकला नहीं, इसने अपना प्रीवियस डे का हाई क्रॉस किया, 290 का लेवल क्रॉस किया और फाइनली ऊपर की तरफ। अब देखिए यहां से ध्यान से देखें तो ये जो मैं इसका ट्रेंड लाइन का कलर मैं चेंज कर देता हूं फिर आपको अच्छी तरह दिखाई देगा, तो मैं इसको रेड कलर कर देता हूं। अब यहां पर देखिए यहां पर ध्यान से देखें तो यहां पर एक ट्रेंड लाइन का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो चुका है। मींस ब्रेकआउट होने के बाद अब जो प्रीवियस जो इसका हाई था वो 310-311 के आसपास था और यहां पर जो हाई लगा हुआ है वो 314 के आसपास का लगा हुआ है। अब यहां पर क्लियर कट अगर कल 315 का लेवल क्रॉस करता है तो 320 और 325 के टारगेट के लिए यहां पर हम ट्रेड कर सकते हैं। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आज सभी लोगों ने बहुत अच्छे पैसे बनाए होंगे। मैं जो आप लोगों को चार्ट कंटिन्यू टेलीग्राम में दे रहा हूं, आप लोगों को चार्ट पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। चलिए बाकी मैं आप लोगों के साथ एक स्पेशल चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, मे बी मैं शायद इस वीकेंड पे मैं शेयर करूं, एक स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। वो स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी की है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, मे बी मैं शायद वीकेंड में आप लोगों के लिए वो स्ट्रेटजी मैं शेयर करूं। चलिए उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।